हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आ रखा हूँ गुजरात रण ऑफ कच्छ सफेद रण देखने। तो अभी हम टेंट में हैं, अभी लेट हो रहा है तो टूर वगैरह मैं बाद में दूंगा, पहले चलते हैं सफेद रण देखने। बहुत शानदार है, सनसेट होने वाला तो जल्दी चलते हैं, सनसेट के बाद एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो चलो चलते हैं। ओके, तो मैं और सौरभ जी रेडी हो गए हैं, हमने कुर्ता और नीचे ब्लू जीन्स, और सौरभ जी ने भी ब्लू और व्हाइट पहन रखा कुर्ता, और ये दोनों भी पता नहीं ये लेट टाइम लगा रहे लेडीज लोग, मोहित और युवराज। चल भाई जल्दी चल, सनसेट हो गया फिर कुछ नहीं मिलेगा देखने को। फाइनली आ चुके हैं, मतलब लगभग डूब भी गया बट ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हो गया, मतलब देख लिया हमने। बाकी ये है सफेद रण, ये देखो, ये नमक है गाइस, पूरा ये पूरा नमक है, ये देखो है ना। कि भीड़ देखो गाइस, शानदार भीड़ है यहाँ पर। पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कैमल राइडिंग वगैरह भी, बाइक चलाना, गाड़ी वगैरह वो भी कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, करते हैं। तो हम गाइस, हमारे उदयपुर वाले साथ ही नहीं चल पाए गाइस, मन बहुत था पर एग्जाम की वजह से नहीं चल पाए। अब देश अगली बार चलेंगे, अगली बार बढ़िया ट्रिप करेंगे ठंडी जगह का, तो वहां चलेंगे। तो ये है हमारा वाइट रन कैंप, धोरडो खावड़ा रोड पे है ये। तो यहाँ पर हमारे है, आपको टूर दे देता हूँ अभी अंदर चल के कैसा है कैसा नहीं। इस तरीके से कुछ टेंट है, देखो यहाँ पर, देखो ऐसे लाइन टेंट है बहुत सारे। हमारे दो टेंट है, एक में युवराज और ये है मोहित, और एक में मैं और भैया। और वहाँ आगे भी है, वहाँ खाने का वगैरह वहाँ होगा, अभी थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे खाने के लिए। स्वागत है आप लोगों का हमारे टेंट के अंदर। चलो भाई आ जाओ। चलो ये देखो गाइस, यहाँ पर दो बेड है, नॉर्मल सा बेड है पर बेड मस्त है, गिद्देदार है। ये दो बेड है, यहाँ पर फैन दे रखा है, पानी की बोतल है और ग्लास वगैरह है ही है। सामान हमने रख दिया है, मतलब सिंपल सा सादा सा है, इससे ऊपर लेवल का भी ले सकते हैं बट हमने हमारे बजट के हिसाब से बजट फ्रेंडली लिया। यहाँ पर चार्जिंग प्लग है, वॉशरूम दिखाते हैं आपको, आइए। ये देखिए गाइस, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, आराम से स्नान करने का, और ये हाथ धोने के लिए, ये कांच वगैरह दिया है, बाकी ये सैनिटाइजर शैम्पू और ये हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह दिया है। तो गाइस अभी आ गए हैं खाना खाने के लिए, पापड़ वगैरह खा रहे हैं। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, हलवा। और यहाँ पर खाना वगैरह ले रहे हैं, पनीर की सब्जी राइस, दाल, भिंडी, रोटी वगैरह, और चावल वगैरह भी, ये देखो ये चावल वगैरह राइस। बॉनफायर चालू हो गया है यहाँ पर, भैया लगा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं टेंट के अंदर, जैकेट वैकेट रख दिया है सभी, बाकी गर्म पानी कर लेते हैं। हम गर्म पानी करने के लिए रॉड लेकर आए थे, ठीक है, तो वो रॉड से अभी गर्म पानी कर लेते हैं और फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों से। अभी थोड़ी देर बैठते हैं भाई, मज़ेदार है जगह, मज़ेदार है, आपको बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी फ़िलहाल सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हम लोग उठ गए हैं। तो अभी जाएंगे सुबह सनराइज़ देखने का, कल जहाँ गए थे हम लोग वाइट रन, वहाँ पर वापस जाएंगे। तो फटाफट से तैयार होते हैं, तैयार तो नहीं हो रहे, बस थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़े डालते हैं और चलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग तैयार हो गए, ठीक है, वही सेम कल वाले ही कपड़े पहन लिया। तो फटाफट सनराइज होने ही वाला है, 10-15 मिनट है हमारे पास, चलते हैं जल्दी। गाइस पहुंच गए हैं सफेद रण, ये देखो भीड़ कितनी आ रखी है, काफी भीड़ आ गई है। तो सनराइज मेरे को लग रहा है अब होने वाला है। गाइस आ गया, देखो अभी देखना शुरू हो गया, जस्ट मैंने आपको बताया और उसके बाद जस्ट 2-4 मिनट बाद ही आ गया। देखो थोड़ा और ऊपर आएगा ना फिर फोटोज वगैरह क्लिक कर, देखो सभी लोग फोटोज खिंचाना शुरू हो गए। पहुंच गए गाइस, फाइनली पहुंच गए। तो गाइस अभी बाहर चारों जन बैठ गए, यहाँ पर चाय वगैरह आ गई हमारी, साथ में हम घर से कुछ बाकरवड़ी वगैरह, चिप्स वगैरह कुछ लेकर आए थे तो वो खाते ये सर्व कर रहे युवराज। फाइनली टेंट को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, हमने सब कुछ सामान वामान हमारा ले लिया है, तो चलते हैं अब चेकआउट करते हैं। अभी 9:30 हो रही है, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं, ले आ जाओ रे ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइस खाना खाने, चाय है हमारे पास, और क्या पराठा है इसके अंदर, थेपला है, जैम वगैरह है, अचार वगैरह, ये ब्रेड वगैरह है, और इसके अंदर क्या है भाई, इसमें उपमा है, जल्दी लेते हैं खाते हैं। तो गाइस आ गया हमारा उपमा, थेपला, जैम वगैरह और ब्रेड वगैरह, वो भाई लेकर आ रहे हैं। खाना वगैरह हो गया, खाना मस्त था भाई, कुछ भी को उपमा मस्त था, दबा के खाया हम लोगों ने। बस चलते हैं फटाफट, बैग लेते हैं चलते भाई, अभी चलेंगे रोड टू हेवन धोला विदा भाई, बहुत लेट हो रहा है, चलो जल्दी। तो
गाइस पहुंच गए कालो डूंगर। तो यहाँ से अपने को ऊपर जाना है, यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह हैं लेना चाहे तो, और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, ऊंट से भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, पर हम पैदल ही जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग कैमल राइडिंग पे आ गए हैं, विचार तो नहीं था पर आ गए हैं। डर बहुत लग रहा है गाइस, चार जन एक साथ बैठे हैं, ये देखो सभी बैठे बहुत पकड़ के, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा, बट फिर भी बैठे हैं। ये है व्यू गाइस, वहाँ पर आगे, वहाँ आगे जाना है, इसको कहते हैं कालो डूंगर, है ना। पगड़ी भी पहन सकते हैं, पहने क्या, पहन के चले, चलो पहनो, 10 रुपए की, हाँ पहनते, फोटो खिंचाएंगे, चलो पहनते। एक बार सामने देखो गाइस, ये देखो गाइस कितना शानदार लग रहा है दोनों। गाइस पहुंच गए हैं फिलहाल अभी रोड टू हेवन, ये देखो अपने सामने कुछ नहीं है, देखो एकदम प्लेन सी रोड है और कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, रोड वगैरह सिर्फ रोड है, सीधी सीधी रोड टू हेवन इसी को कहते हैं। और ये पानी है, दूर दूर तक पानी ही पानी है भाई, इधर और इस साइड में नीचे जा सकते हैं, तो ज़्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे, बहुत गहरी है, यहाँ से फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। तो यही था गाइस रोड टू हेवन, ऐसा कुछ नहीं, बस पानी, और पानी इतना खारा है ना, एक बार पानी में हाथ डाल लिया ना तो मेरा हाथ से अभी थोड़ा नमक आपको थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है ना, ये हट ही नहीं रहा है ना। तो चलो चलते हैं, थोड़ी बहुत फोटो और खिंचाते हैं। तो पहुंच गए गाइस अभी कैफे के अंदर, चलते हैं यहीं पर ही खाना है आज। गाइस अभी खाना ले लिया हमने, मैंने तो दाल चावल पनीर की सब्जी और बाकी ये लोग भी इधर खा रहे हैं, स्टार्टर लगा हुआ है उधर, बाकी यूं भी शुरू कर रहे हैं। ये थी हमारी रन ऑफ कच्छ की ट्रिप, आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि कितना खर्चा आता है, तो पर पर्सन हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। खर्चा मेन कहाँ का आ रहा है, एक तो रहने का, हम टेंट में रहे तो पर पर्सन 3 हज़ार रुपये लगे रहने के, और आने जाने का एक जने का 1800 रुपये लगा, मतलब जो वहाँ पर हमने जो कार की थी वो हमको घुमाई, क्योंकि एक जगह यहाँ पर है तो दूसरी वहाँ है, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, किसी के बीच में 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना, इसकी वजह से हमको कार करनी पड़ी, तो उसमें कार का पर पर्सन का 1800 रुपये जो है कार का लगा, और आने जाने का, जाने का जाने का सिर्फ 1260 या कुछ ऐसा कुछ पैसा जो है टिकट है एक टाइम का बस का, एसी बस का, तो आने आने का जाने का तो दोनों का आप समझ सकते हो। तो यही कुछ खर्चा है, और खाने का कुछ भी खास नहीं हुआ हमारा, 1000-1500 खर्च हुआ, तो ये कुछ नॉर्मल खर्चा होगा, 7 से 8 हज़ार रुपये मान के चलो। अगर आप भी रण ऑफ कच्छ की ट्रिप करने वाले हो तो करो, बहुत अच्छी जगह है, 7 से 8 हज़ार में हो जाएगा, बजट फ्रेंडली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।